अस्सलाम वालेकुम, वेलकम नाज़रीन, वेलकम इन कुवैती व्लॉग्स चैनल। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं कुवैती व्लॉग्स। ये नाज़रीन क्रेन जो कल गिरी थी, अल्हम्दुलिल्लाह जिसको खैर वफियत के साथ सीधा कर लिया गया है। रात को क्रेनें आई थी और रात को वीडियो जो है वो नहीं बन सकी, अंधेरा भी था, तो इस वजह से। और ये JCB जो है ये भी बाहर निकाल लिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बचत हो गई है। इसका पिछला कैबिन जो है वो भी सारा बच गया है और यहाँ से थोड़ी सी डैमेज हुई है बैक साइड इसकी। और इसके जो जैक हैं उनकी प्लेटें वगैरह टूटी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो बचत हो गई है इसकी। और JCB का भी ये वाला जैक थोड़ा टेढ़ा हुआ है शायद, और बाकी इसकी जनाब टूटी है स्क्रीन सामने वाली यहाँ से, और इसका छत जो है वो थोड़ा सा बेंड हुआ है, क्योंकि जैसे ये नीचे गिरा है तो क्रेन की जो बड़ी हुक लगी हुई थी वो इसके छत के ऊपर जाके गिरी है उधर, वहाँ से थोड़ा इसका छत बैंड हुआ है, और बाकी सारा ये ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्रेन का पिछला कैबिन भी देखें, बोम्स वगैरह भी इसकी बिल्कुल बचत हो गई है। ये जैक की ये जो बैक साइड पे जैक होता है स्पोर्ट वाला, इसकी प्लेट वगैरह टूटी है और ये फर्श थोड़ा सा बैंड हुआ है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बचत हो गई है। ये इसकी डीजल वाली टैंकी है जो उतार के नीचे रखी हुई है। यहाँ से कवर इसका थोड़ा डैमेज हुआ है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बूम्स वगैरह इसके सारे बच गए हैं। और अगले कैबिन के साथ वाली ये जो साइड है ये भी इसका फर्श वगैरह थोड़ा ख़राब हुआ है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी चेसी वगैरह और हवा वाली टैंकियाँ और बाकी सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बच गया है। सिर्फ यहाँ पे बैटरियाँ पड़ी हुई थी जो टूटी हैं, और ये बोनट ये थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग का काम है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेन क्रेन का कोई भी नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जनाब इसकी फ्लाई जिप है जो क्रेन को उठाने से पहले ही उतार के नीचे रख ली थी, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी ठीक है, सारी बचत हो गई है इसकी। बहुत हैवी किस्म की फ्लाई होती है इसकी, क्योंकि 60 टन क्रेन है, डबल फ्लाई है इसकी, एक फ्लाई इसके अंदर है ये वाली जो बंद है और एक बाहर वाली, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, इसे भी कुछ नहीं हुआ। बस इसकी जो एक स्पोर्ट है वो थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, बाकी फ्लाई मेन जो चीज़ है उसको कुछ भी नहीं हुआ, ये स्पोर्ट थोड़ी सी इसकी ख़राब हुई है, बाकी फ्लाई अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। ये रात को आई थी एक 250 टन, एक 100 टन, एक 60 टन, उनके साथ इसको सीधा किया गया है। ये सारे संगल्स वगैरह, ये सारी चेनें और वायरें और ये शैगल वगैरह पड़े हैं जिनके साथ इसको सीधा किया गया है।
और जेसीबी भी रात को वो 250 टन आई थी उसने उठा के बाहर रख दिया है। तो नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे दौलतुल कुवैत से। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।